दोस्तों आपने मुगलिया मूवी के बारे में सुना ही होगा, आप ये भी जानते होंगे कि ये एक बहुत पुरानी फिल्म है और ये एक ब्लैक एंड वाइट कलर में थी, मगर इसे फिलहाल कलर कर दिया गया है और ये एक कलरफुल मूवी हो चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कलर कैसे हुई तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम है संतो जी, आप देख रहे हैं निशान बात, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने मुगलिया मूवी के बारे में सुना ही होगा, पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी मगर इसे अब फिलहाल कलर कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये कलर कैसे हुई। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि एक मूवी बनती है उसके अंदर एक सेकंड के अंदर लगभग 24 फ्रेम्स होती है, ये सभी फ्रेम्स मिलकर एक सेकेंड का पार्ट बनता है और इसी तरह कई सारे फ्रेम्स मिलकर लगभग बनती है पूरी फिल्म। अगर हम बात करें कि कलर कैसे किया गया तो एक सेकंड की क्लिप से निकालेगी लगभग 24 फ्रेम, उन सभी को कई सारे टूल्स के जरिए चाहे फोटोशॉप हो या कोई और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो उनके जरिए उन्हें कलर किया गया, फिर उन्हें एक सिक्वेंस में लगाकर उनकी फिल्म बनाई गई जो कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर बात करें कि ये कैसे हुआ, मुमकिन हुआ, तो एक पूरी लगभग 2.5 घंटे की मूवी के लिए लगभग हमें जरूरत होगी लगभग 3 या 4 लाख फ्रेम्स की। इन सभी 3-4 लाख फ्रेम्स को कलर किया गया है, इन्हें कलर करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स की टीम लगी और इसके साथ ही साथ इसकी ऑडियो क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया गया है जो पहले खराब क्वालिटी में हुआ करती थी मगर इसे मॉडर्न क्वालिटी में बदला गया, इसकी क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ठीक की गई, साथ ही साथ इसके कुछ ग्राफिक्स भी इम्प्रूव किए गए हैं जो फोटोशॉप एक्सपर्ट्स और कई सारे वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक साथ काम किया गया है। इसी कारण ये मूवी आपको अब एक कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि मूवी को कलर करने के लिए उसकी हर सेकंड से 24 फ्रेम निकाली गई, सभी फ्रेम को अलग अलग टूल के जरिए कलर किया गया, चाहे वो टूल कोई भी हो उसे कलर किया गया और फिर उन्हें सभी को मूवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए एक सिक्वेंस में लाया गया और उनसे एक मूवी बनाई गई। तो ये है पूरी प्रोसेस जिससे मुगलिया फिल्म को ब्लैक एंड वाइट से कन्वर्ट करके कलर में लाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।